हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लर्निंग। आज हम सीखेंगे गुड मैनर्स। से नमस्ते टू एल्डर्स इज़ प्रॉपर, यानी हमसे जो बड़े होते हैं जैसे दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल आंटी, उन्हें हमें नमस्ते कहना चाहिए। स्टैंड अप एंड ग्रीट द एल्डर्स पोलाइटली, हमसे जो बड़े होते हैं उन्हें खड़े होकर नमस्ते करना चाहिए, उन्हें के पैर भी छूने चाहिए। बोरो थिंग्स वेरी पोलाइटली, जैसे कि आप आज स्कूल नहीं गए हो, अगर आपका होमवर्क बाकी है तो आप अपने फ्रेंड से बड़े ही तमीज़ से कहेंगे ना कि मुझे ये सब्जेक्ट का होमवर्क बाकी है तो मुझे बुक दे दो। गुस्से में नहीं कहना है, बड़े ही प्यार से कहना है। स्टैंड इन क्यू टू बोर्ड योर बस, यानी जब भी आप स्कूल जाते हो या आते हो तब बस स्टॉप पे जब बस आती है तो धक्के मार के नहीं चढ़ना होता है। क्यू का मतलब होता है इस तरीके की लाइन बनाकर वन बाय वन अंदर चढ़ना होता है। व्हेन योर टीचर्स एंटर्स द क्लासरूम, यानी जब भी आपकी टीचर आपके क्लासरूम में आती है, ग्रीट हर और हिम प्रॉपरली विद ड्यू रिस्पेक्ट, यानी उन्हें खड़े होके रिस्पेक्ट इज्जत देनी चाहिए, फिर कहना चाहिए गुड मॉर्निंग टीचर या सर, या गुड आफ्टरनून टीचर या सर। एंटर द क्लास विद ड्यू परमिशन, कभी कभी आप स्कूल थोड़ा लेट भी पहुंच जाते हो तो आपको टीचर से परमिशन लेनी चाहिए कि मे आई कम इन। से सॉरी व्हेन यू कमिट अ मिस्टेक, जब भी आप कोई शरारत करते हो तो किसी ना किसी को तकलीफ होती है ना, तो आपको क्या कहना चाहिए, सॉरी। तो आपको आपकी गलती माननी भी चाहिए। से गुड बाय व्हेन लीविंग योर फ्रेंड, जब भी आप जैसे स्कूल जैसे आपके घर के पास ही है तो आप वॉकिंग डिस्टेंस यानी चलकर भी आ जा सकते हैं, या आपका ट्यूशन भी है आपके फ्रेंड और आप साथ में जाते हैं, तो जब अगर उसका घर पहले आता है, वो पहले अपने घर पहुंचता है, तो आप उसे क्या कहोगे, गुड बाय, बाय करते हो ना। से थैंक्स टू द पर्सन हु हेल्प यू, अगर आप कोई मुसीबत में होते हैं और कोई भी पर्सन, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे एल्डर्स यानी दादा दादी आपको बताए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दे, या मम्मी पापा हो, तो आपको उनको थैंक्स कहना ज़रूरी है। से एक्सक्यूज़ मी व्हेन यू डिस्टर्ब समवन, अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो आपको बीच में नहीं बोलना है, अपनी बारी आने का इंतज़ार करना है, या फिर उन्हें कहना है एक्सक्यूज़ मी, फिर अपनी बात करनी है। कीप योरसेल्फ नीट एंड टाइडी, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बीमार ना पड़ें। शेयर थिंग्स विद अदर्स, हम जब कोई शेयर करते हैं कोई भी चीज़ हो, चाहे अपने स्कूल में टिफ़िन अपने फ्रेंड्स के साथ हो, या फिर अपना होमवर्क हम साथ में बैठ के करते हैं, तो हम सीखते भी बहुत कुछ है, और शेयर करके खाना तो बहुत अच्छी आदत है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।